सो भाई आज हम लोग जाएंगे गोलमार्ग, सबसे चीप एंड बेस्ट तरीके में सस्ते में कैसे जाए गोलमार्ग आज इस वीडियो में देखेंगे, और फिर गोलमार्ग से टेकमार्ग की ट्रैकिंग करेंगे। सो सारा चीज़ आप सबको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मैं हूँ सद्दाम, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सो चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई यार घर से निकल चुके हैं भाई, और यहाँ से जाना है बस लेना है, बस लेकर महगाम से सुमो जाती है गुलमर्ग। तो चलो यार भाई पहले बस लेते हैं महगाम तक, वहाँ से फिर सुमो लेंगे। अब तो सुमो मिल जाती है तो सुमो ले लेंगे भाई। चलो यार चलते हैं भाई। सो भाई यार टेकमार्ग पहुँच गया, महगाम से बस लिए थे, एक बस लिए थे उसकी पर 10 रुपये किराया, और फिर वहाँ से बस लिए टेकमार्ग के लिए तो उसकी पर 25 रुपये किराया पर पर्सन। अगर वहाँ से टैक्सी लेते तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, यहाँ से टैक्सी लेंगे देखेंगे क्या प्राइस देंगे। फिलहाल छोटे से रेस्टोरेंट में आए हुए हैं चाय पीने के लिए, तो चाय पी के निकलते हैं बाहर। ये यहाँ के स्नैक्स है, ये रोटी है ना? हाँ रोटी है, पा रोटी जैसी होती है रोटी। अच्छा है। तो भाई साहब ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है, यहीं से गाड़ी जाएगी ऊपर गुलमर्ग की तरफ। सो हाँ जी भाई साहब यार गोलमार्ग पहुँच गया भाई, सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट तरीके से पहुँचे। ऑलमोस्ट खर्चा अगर आया होगा पर पर्सन के हिसाब से तो भाई 70 रुपये 80 रुपये आया होगा, 100 रुपये भी नहीं लेगी भाई। अगर मैं वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी लेता तो भाई 500 रुपये मिनिमम लग जाती, बट बस वगैरह अवेलेबल है। थोड़ी सी खोजना, लोगों से पूछ लेना, थोड़ी सी बहुत हेल्प हो जाती है, लोकल लोगों से सब कनेक्ट रखना अपने आप को। चाचा थे तो पहुँचा दिया मेरे को सस्ते में। अभी यार घोड़ा राइड वगैरह होता है वहाँ, बर्फ़ वर्फ़ गिर रखी है पहाड़ पे, उधर लेके आते हैं। तो उसकी मिनिमम प्राइस बोल रहे कितनी, उनने 2000 रुपये। बाकी यार राइडिंग करो, मेरे को जाना तो है नहीं क्योंकि बजट नहीं है, लंबा ट्रैवल करना है अपने को, तो सब चीज़ देख के चल रहा हूँ मैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है ये गोलमार्ग की, तो यहाँ पर आकर पूछ लिया मैं टेंट वगैरह लगाने के लिए, तो भैया बोले कि लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंट के लिए जगह खोजनी पड़ेगी, टेंट लगाने सबसे अच्छा जगह है जहाँ आसपास दुकान हो या फिर जहाँ पर पानी का स्रोत हो, क्योंकि टेंट लगाने के टाइम में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना वाना बनाएंगे ना तो पानी लगेगी। तो पहले टेंट लगाते उसके बाद थोड़ा सामान खरीदने आएंगे मार्केट में। चले हाँ क्या अभी रुक जाओ ना, कल सुबह मैं 7 बजे निकल जाने को, टेंट में आराम से सो जाना। अच्छा हाँ सोने के लिए जगह है, अच्छी तरह रहो गया आप, मैं जाऊँगा वापस। नहीं नहीं आप रहो ना, क्यों टेंट में रहो ना, टेंट में एक बार सो ना, जिंदगी में एक बार मजा लेना चाहिए हर चीज का। अब क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला कि हाँ आप रह सकते हो वहाँ पर जाके, लगा सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा अच्छा चल पार्क में, हाँ ठीक है ठीक है। चलो यार चलते हैं भाई, बैग उठाते हैं। बैग कितनी भारी है? कितनी भारी है बैग? क्या हाँ बहुत भारी है, बहुत भारी है। ये हम उधर रखेंगे पहले, जब हम टेंट वेंट लेंगे उधर फिर ले लेंगे रात को। सो भाई कश्मीर में खरीदारी हो रही है, खरीदारी देखो फ्राइडे अच्छा है, शाट शेयर लड़का आ रहा है, यारो ए साला शाट शेयर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है भाई, ऊपर पार हो जा रही है भाई। चलो यार भाई फिनिश करते हैं भाई, ये आलू की फ्राइडे है और चाय क्या चाहिए दाम आपकी प्रेजेंटेशन। सो भाई और ये टेकमार्ग पहाड़ नजर आता होगा आपको, वहां पर बर्फ है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर, बाय द वे गोलमर्ग में बहुत सारी मूवी की शूट हो रखी है बॉलीवुड की, जैसे बजरंगी भाईजान, टाइगर 3 और भी बहुत सारी मूवी की शूट हो रखी है। सो चलो यार चलते हैं भाई ऊपर, थोड़ी सांस फूल ली है भाई क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो भाई यार बहुत ज़ोर से प्यास लगी है भाई, काफ़ी टाइम से मैं चल रहा हूँ भाई, काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ। ये देखो पानी, तो भाई यार रुकना नहीं है,
कभी भी आप अगर पहाड़ चढ़ रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, तो रुकना मत, अपने शरीर को बोलना कर लेंगे कर लेंगे। अगर जान भी बनी आएगी तो कहीं थोड़ा सा रुक लेना, क्योंकि ये जंगल का मोम माया है भाई। चंद मिनट में अंधेरा हो जाएगी, फिर आप फंस जाओगे। और ध्यान से सुनो तो पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको, यानी आसपास नदी नाले होंगे। चलो यार भाई चलते हैं भाई, बहुत ऊपर जानी है अभी। एक्चुअल में 1 साल हो गए ना ट्रैकिंग किए हुए, सो बॉडी उतनी मेरी फ्लेक्सिबल अब रही नहीं। सो भाई ये ग्लेशियर के पानी बह रही है, बर्फ़ के ना, बर्फ़ पहाड़ पे से पिघल रही है तो ये पानी नीचे जा रही है। नीचे जाएगी, इसको घर तक पहुँचाया जाएगा पाइप के थ्रू, कि लोग इस पानी को पी पाए। एकदम शुद्ध नेचुरल पानी है, आप पी सकते बगैर फिल्टर किए हुए, बगैर गर्म किए हुए। देख लो कितनी साफ बह रही है, अंकल पी भी रहे हैं। सो अभी मैं इस नदी को पार किया, देखने में मामूली सी लग रही है बट यार बिस्लन बहुत ज़्यादा है, और एक बार बिस्ले तो कमर की हड्डी गई तेल लेने। इधर हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल है नीचे है, वो भी उसमें इलाज होती होगी कि नहीं होती होगी इसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि छोटी सी मेडिकल कैंप है। सो भाई वो वाली पहाड़ी देख रही है, वहीं से आ रहे हैं भाई पैदल वॉक करके, और अभी वहाँ तक जानी है, फिर इस पहाड़ के बाद एक और पहाड़ वहाँ तक जानी है। यार भाई हालत यार बहुत ख़राब हो रखी है भाई, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ख़राब हो रखी है। एक तो यार ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, सांस फूल जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि 1 साल के बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है भाई। बाकी यार वो देखो अंकल चले जा रहे हैं। ये लोग पहाड़ में रहते हैं ना, तुम लोग की आदत है, हम लोग तो फ्लैट ज़मीन में रहते हैं, फ्लैट सर्कल में रहते हैं ना, तो नहीं चल पाते उतनी। खैर यार 1 साल के बाद फिर से ट्रैक करके अच्छा लग रहा है भाई। चल तो भाई यार पहुंच गए, अंकल बोल रहे हैं उससे ऊपर वहाँ बर्फ़ है पहाड़ पे, वहाँ बोले जाने को, लेकिन यार सच बता रहा हूँ एकदम हिम्मत नहीं है मेरे अंदर में। एक तो यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है भाई, हवा की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो यार भाई चलते हैं नीचे, अभी 3 बज रहे हैं, टाइम हो गया उतरते उतरते, 4 बज जाएगा, 4:30 हो जाएगा, फिर कैंपिंग करनी है, उसके लिए भी जगह कुछ नहीं बनेगी। चलो यार आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलता है आप सबको फिर से एक नई जगह एक नए लोग के साथ, तब तक जय हिंद। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सो भाई यार हम लोग नीचे उतरने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिए हैं, बट खाई है, उतर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम हैं सब हो जाएगा। चलो बूट निकालो उधर से। हाँ ठीक हो गया आपको, ये टेरे मेरे उतरेंगे ना तो ठीक होगी, जल्दी उतरेंगे टेरे मेरे, कभी पहाड़ पे सीधा नहीं उतरा जाता, जितना हो सके उतना झिकझक उतरो। देखो पहाड़ खुद हमें रास्ता देगी, सिर्फ खाली पहाड़ को समझने वाला चाहिए। चलो चलते हैं नीचे भाई।